आपका पसंद का रेस्टोरेंट? हाँ, मतलब मुझे लेबनीज फूड पसंद है, यहाँ पे लेबनीज फूड होता है, अच्छा होता है, मगर इस वक्त टाइम शॉर्ट था तो हमने कहा इस वक्त जूस पी लेते हैं, फिर घर जाके चाय भी पीनी है। बिल्कुल। आमतौर पे तो ये होता है कि जो इस इंडस्ट्री में आते हैं तो उनको घर की तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस मिलती है, या वाले साहब नहीं मानते, या वालदा जो है वो उसके सख्त खिलाफ होती हैं, या फिर ये होता है कि नहीं लोग क्या कहेंगे, इधर नहीं आना। तो आपको इस तरह के असल में पहले तो वाकई ये जनरलाइज करते थे कि शोबिज़ जो है वो उसका माहौल बहुत ख़राब है और जो उसमें चला गया वो बिगड़ जाएगा। जब अच्छी फैमिलीज़ के लोग आने लगे और लोगों ने देखा तो काफ़ी इसका जो वो एक टैबू था वो ख़त्म हुआ। मुझे शुरू में थोड़ी सी लॉस की तरफ से फेस करी हुई, क्योंकि शादी के बाद आई थी, मतलब जब बाकायदा तौर पर टेलीविज़न पर आई हूँ, तो उनकी तरफ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस हुई थी, पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल नहीं हुई। और हस्बैंड ने तो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया, और हस्बैंड ने मेरे लिए स्टैंड लिया अपने पेरेंट्स से, और उन्होंने कहा कि नहीं कोई बुराई नहीं है, मैं इतने क्लोजली देखता हूँ, और जब मैं शौहर होके मुझे एतराज़ नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कुछ गलत होगा उसमें। तो फिर वो लोग भी ठीक हो गए बाद में, और अब तो बड़े फ़ख्र से सारे मेरे फैमिली वाले बताते हैं मेरे बारे में। मेरी मदर इन लॉ भी बाद में बताने लगी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो बाद में बड़े फ़ख्र से लोगों को बता रही होती थी कि ये मेरी बहू है पहला। हम लैला के हमरा ड्रेस डिज़ाइनर पिंकी के स्टोर पर भी गए। ये मेरी डिज़ाइनर है जी, माशाल्लाह, वजीहा, वैसे पिंकी भी कहलाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। पीरनी तो नहीं है? नहीं, होते होते रह गई। अच्छा अच्छा। इसका अफसोस है। तो वो पीरनी के बाद वाले मकाम का या पीरनी बनने पीरनी का? पीरनी वाले मकाम। अच्छा। इनके पास तो बड़े अच्छे कपड़े हैं, इनके पास है ना जी, ये मेरी फेवरेट डिजाइनर। लैला जुबैरी के घर पर उनकी पुरानी दोस्त उनसे मुलाकात की मुंतजर थी। इस मुलाकात में लैला जुबैरी के शौहर तारिक जुबैरी ने भी माजी की यादों से पर्दा उठाया। इनका तो तारुफ आपने जी बिल्कुल, सॉरी शाहिदा है मेरी जी, समझ लें कि हम बहनों की तरह हैं, और हमारी बड़ी दोस्ती पुरानी है, मतलब इतनी पुरानी है कि मुझे याद भी नहीं कि कितनी पुरानी है। मोर देन 25 ईयर्स। लोग कुलीग्स थे, स्कूल में साथ पढ़ाते थे, फिर ये लोग इस्लामाबाद आ गए, फिर उन्होंने हमें भी बुला लिया, फिर हम भी आ गए, फिर हम एक घर में साथ रहे। तो हमारी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है, हमारे बच्चों की भी दोस्ती है, मियाँ की भी दोस्ती है, तो इस वजह से ये दोस्ती मजीद परवान चढ़ी। तो कैसी गुजर रही है लैला और मजनू के दरमियान? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। बिल्कुल, इनको लोग वैसे मजनू जुबैरी भी कहते हैं। मजनू जुबैरी है भी। हाँ, मजनू जुबैरी है। उसी तरह इश्क है पक्का, उसी तरह इश्क है, और काश तीन और ऐसी हो। नहीं, वो आपका फोटो कॉपीज निकालनी होगी लैला की। आपकी मोहब्बत की दास्तान शुरू कैसे हुई? सच बताओ। सच? ये तो बहुत ही, और सच कैसे बात, बहुत ही पीछे ले जाएंगे। जब ये छोटी सी थी तो मैंने इन्हें गोद में लिया था, ठीक है, बस जब ही पसंद कर लिया। वाह 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 वाह। ये मेरी, शी इज माय सेकंड कजन आल्सो। कजिन्स हैं, एक ही फैमिली के हैं। तो बस ये था कि मैं तो पढ़ रही थी, उस वक्त मैट्रिक में थी जब इनका प्रपोजल आया, तो सो फैमिली में और भी काफ़ी सारे प्रपोजल्स थे, तो फिर मेरे पेरेंट्स से पूछा, तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, आप लोग ही बता दें। तो उन्होंने कहा भाई हमारी नज़र में सबसे अच्छा ये है, तो तारिक है।
ठीक है। मैट्रिक में ही आपके प्रपोजल आना शुरू हो गए, क्या आपने मैट्रिक इतना लेट किया था? नहीं बस वो फिर उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हो गई और फिर ये डिसाइड हुआ कि बीए के बाद शादी होगी। तो अभी 2 ही साल गुजरे थे कि इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि नहीं बस मैं तो सेटल हो गया हूँ, कैप्टन हो गया हूँ, मेरी शादी बस अब हो जानी चाहिए। खैर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि भाई पढ़ाई उसकी नहीं कंप्लीट हुई, उनका मैं करवा दूँगा पढ़ाई, तो लिहाजा फिर सेकेंड ईयर के बाद शादी हो गई और फिर मैंने बाद में बीए किया। शादी के बाद उन्होंने अपना वादा निभाया। तारिक साहब इतनी जल्दी किस बात की थी? यार एक तो मैं एरीज हूँ, मेरा स्टार, ठीक है, और जो चीज़ दिमाग में फंस जाए तो उसको फौरन होना पड़ता है, मुझे इंतजार भी नहीं होता। और एक फौजी हो, और फौजी हो, और करना है। तो आपने तो फिर शादी तो ना किया, आपने तो फतह किया। जी मैंने फतह किया दिल को, दिल को। आपका तो अदबी जौक भी बहुत अच्छा है। कुछ इन्होंने बेहतर कर दिया ना, तो बहुत ही बेअदब था। बेटी की पैदाइश के बाद जी आपने बीए किया जी, तो वो कैसे मैनेज किया? बस वो एक तो ये था कि इन्होंने मुझे भेज दिया पढ़ने के लिए, ये बड़ी बात हुई। और दूसरी बात ये हुई कि पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट थी, मेरी जो मदर थी, मदर हैं, उन्होंने बेटी को बिल्कुल रख लिया। उन्होंने कहा तुम बस अब भूल जाओ कि बेटी है तुम्हारी, तुम पढ़ाई करो। और मैं एग्ज़ाम से सिर्फ 20 दिन पहले गई थी कराची, और मैंने जाके बस बच्ची अम्मी के हवाले की और मैंने बस पढ़ाई पढ़ाई। और अम्मी ने पूरी मेरी, अम्मी खुद क्योंकि टीचर रही हैं तो उन्होंने पूरा निकाल के रखा हुआ था सिलेबस कि मुझे सिलेक्टिव स्टडी क्या क्या करनी है। वाह। और जहाँ मैं फंसती थी वो मेरी हेल्प करती थी, तो उनकी पूरी पूरी हेल्प थी मेरे साथ और इसी वजह से मैं शायद कर पाई। आपने इनसे जब दोस्ती की तो ये तो उस वक्त भी स्टार थी, तो स्टार एक सेलिब्रिटी करके दोस्ती की या एक अच्छा इंसान समझ के? स्टार ये थी मगर दोस्ती में वो नहीं आया। कभी ऐसा नहीं महसूस किया? नहीं। हाँ जब हम जाते थे ना शॉपिंग के लिए तो वहाँ ना अक्सर रोक रोक के ना तो ऑटोग्राफ हाँ, तो हम वहाँ खड़े रहते थे और ये ऑटोग्राफ देती जाती थी। अभी भी ऐसे होता है कि तस्वीरें उतरवाती जाती हैं, हम पीछे को खड़े रहते हैं। ऑटोग्राफ का ज़माना गया, सेल्फीज का ज़माना आ गया। तो इसलिए कुछ बदला नहीं, पहले ऑटोग्राफ से अब सेल्फीज। बड़ा मजा आता है सेल्फी पे ना, और फिर लड़कियाँ तो ठीक है, औरतें भी ठीक है, तो मर्द ज़्यादा आ जाते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तो भाई पहले तेरी बीवी के साथ मेरी सेल्फी, फिर बात करो, आगे बात करो। उस वक्त आपको कैसा फील होता है जब इनसे सेल्फीज लोग बना रहे होते हैं? यार अब तो आदत हो गई है, मगर पहले शुरू जब 95-96 में तो हाथापाई हो जाती थी और मार कुटाई हो जाती थी। अच्छा। हाँ मरी में काफ़ी हुआ है ऐसा कि किसी ने कुछ कह दिया है, रिमार्क पास कर दिया तो बस उसकी खैर नहीं ठीक है, रेस्टोरेंट टूट जाए या टेबल टूट जाए तो फिर ऑल आउट हो जाता था। ठीक है तो मरी में बड़ा मजा आता था। वहाँ पे सारे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे जमा होते हैं। अभी कभी किसी ने कुछ छेड़ दिया, कुछ कर दिया, उसको बंदे को पकड़ के कभी एक आध थप्पड़ लगाया तो जो फौजी गुजर रहा होता था वो सब मिल जाते बगैर पूछे हुए कि हुआ क्या है, सब आके शुरू हो जाते थे। तो ये है कि भाई वो भी मोहब्बत में ही आते हैं, जो आपको पसंद करते हैं तो इसलिए आपके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, इसलिए मैं उनके साथ बिल्कुल भी रूड नहीं होती, ना मैं मना करती हूँ उनको। एक्चुअली लैला हैज़ गॉट लॉट ऑफ पेशेंस। इतना पेशेंस मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। और ये बच्चों को जब डांटना होता था तो ये बहुत ही कूल माइंडेड, और कभी डांटना होता तो शायद इधर आओ बच्चों को डांटो, उन्होंने ये किया है तो ये डांट भी नहीं सकती थी। गुड़ी गुड़ी बनी रहती हैं, नौकरों को कुछ नहीं कहती हैं। आप कह रहे हैं उसको डांट दे, मैंने कहा ये सही है, मैंने डटवाने के लिए और लोग अच्छे हैं, गलत काम वो करे तुम भी डांटो, मुझसे नहीं डांटेगा। आपके साथ भी कभी कभार लड़ाई तो हो जाती होगी? आई थिंक सेल्डम, वेरी सेल्डम, मगर हमारी एक पॉलिसी रही है शुरू से कि लड़ाई अगर हो भी झगड़ा तो ओवरनाइट नहीं होगा, इट हैज टू बी सॉल्व्ड, एंड इफ यू आर एट फॉल्ट यू शुड से सॉरी, इफ आई एम एट फॉल्ट
एंड स्टार्ट अ फ्रेश डे अगेन. उनके दलाइल ज्यादा मजबूत होते होंगे. मेरे दलाइल ज्यादा मजबूत है और इनके वो एक्टिंग वाले आंसू पे मैं नहीं मानता. बड़ा नुकसान हो गया. एक दफ़ा हम लोग मेरी शूट थी तो ये वहाँ पर आ गए देखने के लिए शूट, तो रोने का सीन था तो उन्होंने कहा कि जी आप इसमें रोना है. मैंने कहा ठीक है. उसने कहा ग्लिसरीन. मैंने कहा नहीं नहीं ग्लिसरीन नहीं चाहिए, मैं तो अपने आंसुओं से रोती हूँ. तो मैं रोई. उसके बाद इन्होंने घर आके कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतने आराम से आंसू निकाल लेते हो, तुम्हारे आंसू पे नहीं जाना चाहिए. अच्छा मुझे ऐसे लगा कि शायद आप कहना चाह रही हैं कि उन्होंने कहा कि रोने का सीन है तो उसमें तारिक साहब सामने आए तो आपका रोना नहीं. आपने आप जब इनके साथ कभी बाजार जाती होंगी जी तो इनकी वजह से आपको डिस्काउंट तो खूब मिलती होगी. जी मिलती है. लेती रहेंगी. और जब हम कोई चीज़ खरीदते हाँ अक्सर ये होता है कि हम मेरी और इनके अब इतने साल दोस्ती को गए एक ही चीज़ पे हम हाथ लगाते हैं फिर एक ही चीज़ उठा रहे होते हैं और वो जो है दुकानदार अच्छा इनको डिस्काउंट देता मैं तो मुझे भी दो.